खबर लेंगे रायपुर से। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी और आपको कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया है। बीजेपी नेता डॉक्टर शिवनारायण द्विवेदी ने कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। आप नेता पुष्पेंद्र परिहार ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की मौजूदगी में शामिल हुए हैं। बता दें कि मेरी घर वापसी हुई है, पुष्पेंद्र परिहार ने कहा है कि मेरी घर वापसी हुई है। आप एनजीओ पार्टी है, कांग्रेस अपनी पार्टी, मेरी घर वापसी हुई है। तो शिवनारायण द्विवेदी, बीजेपी ने जो वादा किया था वो पूरा ही नहीं किया, उनका ये कहना है। उन्होंने कहा कि दोनों ही नेता हमारे अपने घर के सदस्य हैं, तो दोनों का कांग्रेस पार्टी में स्वागत है। मोहन मरकाम ने ये कहा कि दोनों ही नेता अपने सदस्य हैं, अपने घर के सदस्य हैं और दोनों का कांग्रेस पार्टी में स्वागत है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव करू करेंगे। वैभव, बीजेपी और आपको कांग्रेस ने एक बड़ा झटका यहां पर दिया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता डॉक्टर शिवनारायण द्विवेदी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और आप नेता पुष्पेंद्र परिहार ने अब कांग्रेस की सदस्यता ली है। आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं फायदा भी देखने को मिल सकता है इसका? बिल्कुल, चूंकि चुनाव है और चुनाव से पहले जो कांग्रेस पार्टी में दोनों नेताओं की घर वापसी हुई है, इससे कांग्रेस को फायदा ही होगा। क्योंकि डॉक्टर शिवनारायण द्विवेदी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन सरकार आने के बाद वो बीजेपी में चले गए थे और झीरम घाटी नक्सल हमले में वो घायल भी रहे हैं। तो निश्चित तौर पे उनके आने से कांग्रेस को फायदा होगा, युवाओं के बीच उनकी अपनी एक बैठ रही है। और दूसरी ओर जो पुष्पेंद्र परिहार हैं, जो भी कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में चले गए थे, लेकिन अब 3 महीने बाद उन्होंने पुनः कांग्रेस में वापसी की है, तो उनके आने से भी फायदा होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उन्हें रायपुर लोकसभा की जिम्मेदारी दे के रखी हुई थी, लोकसभा का प्रभारी यहाँ पे बनाया था और संगठन का काम देख रहे थे, तो जाहिर तौर पर जो आंतरिक कार्यकर्ता हैं, उनके बीच के अपने संगठन के लोग हैं, उनसे जो है निश्चित तौर पे फायदा होगा। और मोहन मरकाम ने स्वागत भी किया है, कि कहा भी है कि दोनों ही नेता हमारे अपने घर के हैं, उनकी घर वापसी हुई है, मैं दोनों ही नेताओं का स्वागत करता हूं। ये देखना होगा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन आ रहा है। बिल्कुल वैभव, और खैर ये तो आने वाला वक्त ही अब बताएगा कि किसके आने से और किसके जाने से कौन सी पार्टी को कितना फायदा और कितना नुकसान होता है। ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।